अस्सलाम वालेकुम। मेरा रीज़न इस हॉस्पिटल में मेरी फर्स्ट डिलीवरी कराने का ये था कि मेरे पूरी खानदान की 20 से 25 ईयर्स से सारी डिलीवरीज यहीं हो रही है। इनफैक्ट जब मैंने कंसीव किया तो मुझे ये काम बताया गया कि अब वो 20 से 25 साल वाला स्टाफ नहीं है, तो थोड़े डाउटफुल भी थे। लेकिन मैं जब यहाँ पर आई, मैंने अपना फर्स्ट विजिट देखा, सब कैसे हैं, डॉक्टर्स क्या थे, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड रही। सो उस विजिट के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया, भले ही स्टाफ चेंज हो गया है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं, MDs हैं, MBBS हैं, तो मैंने डिसाइड किया मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट, पूरा प्रेगनेंसी का यहीं से कराऊंगी। अब जब मुझे ऐसे लगा मुझे पेन्स आने लगे, तो मैं बहुत ही काम अपने आप को रख के आई थी। डिलीवरी, मुझे लगा डिलीवरी हो गया, बट उस दिन मुझे फीवर आ गया था। सो डॉक्टर्स ने तुरंत गाज कर लिया कि इट इज़ नॉट दिस लेबर पेन, इट इज़ समथिंग एल्स, बिकॉज मेरा फीवर जा नहीं रहा है। वो पॉइंट उन्होंने इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया, फीवर एनालिसिस कर लिया, और एक कंक्लूजन में जो वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पहुंच गए, कुछ घंटों में टेस्ट के थ्रू, कि ये कुछ आम फीवर नहीं, ये डेंगू है, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की। तब से ही हमारा जो ऑब्वियसली है पूरा डाउन हो गया था, क्योंकि इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। बट द वे डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर मनसा, ऑल दे हैव हैंडल इट, बिकॉज मेरे प्लेटलेट कंटिन्यूस गिरते जा रहे थे, बच्चे की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी, सब अच्छे से हुआ। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, इमरजेंसी में एकदम मुझे शिवरिंग होने लगी थी रात के 1:30 बजे। वो टाइम जो उस वक्त जो डॉक्टर्स के पैनल थे नाइट ड्यूटी पे, उन्होंने इतने सोफिस्टिकेटेडली और इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में इतने अच्छे से वो हैंडल किए पूरा, आई ओ अ बिग थैंक्स टू देम। उन्होंने ना कि सेफ डिलीवरी भी कराई मेरे बच्चे की, बल्कि मेरी भी कंडीशन का पूरा ख्याल रख के एकदम स्मूथली सब किया। अब अलहमदिल्ला से आज मेरा टेम्परेचर, बाकी सारे कंडीशंस आर नॉर्मल, आई ओ अ बिग थैंक्स टू देम। और यही मैं चाहूँगी स्पेशली पब्लिक से, कि ये जो मिसकंसेप्शंस आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, यू कैन टेक माई वर्ड्स। और अल्लाह का बहुत बहुत सबसे बड़ा हाथ तो अल्लाह का ही है मेरी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाने में, बट ये डॉक्टर्स ने जिस यूनिटी से, जिस स्ट्रेंथ से इस केस को हैंडल किया है, वो भी काबिल-ए-तारीफ है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।